आपका हार्ट रेट काफी कम लग रहा है और आपका बीपी भी लो लग रहा है। यू नीड रेस्ट। हाइपोटेंशन की वजह से आप बेहोश भी हो सकती है। इधर आइए, आराम से, आराम से बैठिए। जस्ट वन सेकेंड। इसे अपनी जुबान पर रखिए। कुछ मीठा खाने का मन नहीं है हमारा। ये आपकी कड़वाहट मिटाने के लिए नहीं है, जो हिम्मत आपने बची है उसको जिंदा रखने के लिए। पर हमारी हिम्मत तो हमारे बाबूजी हैं और वो हमारे साथ नहीं है। क्या हुआ? तो जज साहब, हमारे बाबूजी को जेल भेज दिए 14 दिन और उस गुनाह का सजा भुगतेंगे जो उन्होंने किया ही नहीं। क्या फायदा हुआ डिप्लोमा करने का? क्या फायदा हुआ गणित में फर्स्ट नंबर लाने का, जब बाबूजी को आजाद करने तक का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास? ये कोर्ट के मामले ऐसे ही होते हैं, इनमें टाइम लगता है थोड़ा। कैसा होता है ना ये टीम, कहने के लिए तो सबके लिए एक समान है, पर इस घड़ी के छोटे और बड़े सुई की तरह थोड़ा फर्क तो कर ही देता है छोटे और बड़े लोगों में। बड़े लोगों का टीम जल्दी आता है और छोटे लोगों को लेन में लगना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब का ज्ञान बाजी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, भी ज्ञान नहीं है, ये तो सच का कड़वा खून है जो ना जाने हमारे बाबूजी को और कितने समय तक पीना पड़ेगा। कुछ साल पहले हमारे घर में होली की फंक्शन के दौरान बहुत सारी प्रिपरेशंस हो रही थी, बहुत सारे मेहमान आने वाले थे और सिर्फ एक इंसान थे जो सारे प्रिपरेशंस को हैंडल कर रहे थे और वो है आपके बाबूजी। गलती से उनका राइट हैंड गाड़ी के डोर में आ गया। इन तीनों उंगलियों की हड्डियां सारी चूर हो गई थी, क्रश्ड, शैटर्ड। लेकिन वो रुके नहीं, मेरी मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपना काम पूरा किया। कहे कुंवर सा, राइट हैंड ना सही लेकिन लेफ्ट हैंड से तो सारा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने काम को ईमानदारी से निभाएंगे। उस दिन मुझे एक सीख मिली कि दुख वाली बातें करके हम अपने दर्द को तसली जरूर दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। उसे मिटाने के लिए सीना चौड़ा करके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे कहना होगा कि यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। जवान पर रखना। आपके बाबूजी आपकी पहचान है और जब तक आप उस पहचान को अपने दिल में जिंदा रखोगी तब तक उन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाबूजी के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया और वो हमको बताए भी नहीं।
अजब है बाबूजी, पर आप बिल्कुल सही बोले, हम हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे हम। अगर ताए से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो पाए से जाएंगे, और जाएंगे जरूर। बहुत बहुत थैंकू हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और ये रुमाल के लिए भी। सारी सारी हम धोखे दे देंगे आपको, चलते हैं। या मॉम, इट्स टू बैड। भाई ने कहा है कि कम से कम 2 हफ्ते जाएंगे। हम वीर से कहेंगे कि बात करें और जितना जल्दी हो सके ये करवाएं। सब कुछ ठीक हो जाएगा 14 दिन में। कितनी भली इंसान है, इनका दिल भी भावुक हो रहा है हमारे पहुंचे के लिए। रानी सा, जब किस्मत ही गुलाटी मार दी तो इंतजार के अलावा और कर ही का सकते हैं। पर चौधरी साहब बोले कि बाऊजी की सुनवाई 14 दिन बाद होगी। या व्हाटएवर, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? दर्द से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है रानी साहब। इसके स्टूपिड भाई की बॉल की वजह से मेरा नाखून टूट गया। तो आप नाखून को लेकर परेशान थी? उनको लगा हमारे बाऊजी के कारण। कुमोद, प्रिंस जय सिंह आने वाले हैं। हमने कहा था कि ये सारे वाजेस चेंज होने चाहिए। एंटीक वाजेस लगा दो, टेबल कवर्स चेंज कर दो, पूरे घर की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। तो किसका वेट हो रहा है, क्रिसमस का? जी शांति, ये सारे टेबल क्लॉथ चेंज करवा दीजिए। जी कुमोद। जी जी रानी सा। रामू की जगह हमने किसको रखा है, किसको? जी हमको रानी सा। अच्छा, तो फिर हमारी ये पीए तुम्हारा काम क्यों कर रही है? रानी साहब, वो बाऊजी का केस। फुल स्टॉप। नाउ गो। हे यू विलेज गर्ल। जी, ये जो नेल एक्सटेंशंस पड़े हैं उसे साफ करो। कम ऑन। तिलमिला कह रहे हो? तिलमिला नहीं रहे, दादी का फोन है, तुझसे बात करना चाह रही है। ले। दादी आशीर्वाद। कहाँ रे रानी, गुलाबी शहर में जाके इतनी बड़ी हो गई कि अपनी दादी से बात छिपाएगी? इतनी बड़ी बात हमको पिंकुआ से पता चल रही है? अरे तू तो हमसे बोली थी कि रामाधीर को वापस लेके आएंगे, फिर ये क्या हो गया बिटिया? रामाधीर से कैसे? दादी, जिंदगी भी ना कभी कभी गणित के सवालों की तरह होती है, कभी आसान तो कभी कंफ्यूजी आ जाती है। थोड़ा वक्त लग रहा है इस बार, पर ऐसा एक तो सवाल नहीं है जिसका जवाब तुम्हारी रानी के पास ना हो। अब चिंता मत कीजिए, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अब हमें बहुत काम है, हम चलते हैं। जय माता रानी। जय माता रानी। का
अरे पिंकू तू भी ना, अब बताइए, हम तो बलिया से जयपुर अपने बाऊजी को वापस ले जाने के लिए आए थे, पर बाऊजी तो जेल चले गए। आप ही सोचिए, जिन्होंने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा है वो इतना बड़ा अपराध कैसे कर देंगे। हमको तो फुल कॉन्फिडेंस है हमारे बाऊजी निर्दोष है, और माता रानी की कृपा से वो जल्दी आजाद भी हो जाएंगे। 2020 की दिवाली हम उनके साथ ही मनाएंगे।